महिला शक्ति के संस्थापक गुलाब जायसवाल लखनऊ में हुए गिरफ्तार। महिला शक्ति के नाम पर फ्रॉड करने वाले महिला शक्ति के एनजीओ संचालक लखनऊ में हुए गिरफ्तार, जो कि एक फर्जी तरीके से इस संस्था को चला रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाराणसी 16 सितंबर 2021 का यह पेपर, न्यूज़पेपर है। फर्जी एनजीओ का संचालक लखनऊ में हुआ गिरफ्तार, इंटरमीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को ठगा। विधवा महिलाओं के कल्याण के नाम पर बिना महिला कल्याण सेवा ट्रस्ट फर्जी निकला। ट्रस्ट में इंटरनेट मीडिया से जुड़े सैकड़ों लोगों को संचालक ने प्रलोभन दिया। किसी को प्रदेश अध्यक्ष तो किसी को मंडल प्रभारी बनाया था। मंगलवार को एक प्लाजा में कार्यकर्ता की बैठक में जमकर मारपीट हुई तो फर्जी एनजीओ का पता चला। पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच में 7 को भी एनजीओ के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं थी, यानी बिल्कुल जानकारी नहीं थी, बस ऐसे ही कार्य कर रहे थे। उधर मारपीट की घटना के बाद से फरार संचालक गुलाब गुप्ता को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया, जो फ्रॉड एनजीओ संस्था का, जो महिला शक्ति का गुलाब जायसवाल, उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 वर्ष पूर्व से इंटरनेट मीडिया पर महिला कल्याण नाम एनजीओ रन करने लगा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष इससे जुड़ते गए। बाद में संचालक गुलाब ने एक ग्रुप बनाया और उसमें सभी महिला पुरुषों को जोड़ दिया। उसने किसी को प्रदेश अध्यक्ष तो किसी को मंडल प्रभारी आदि पदों से नवाजा। इसके एवज में संचालन ने सभी पदाधिकारियों को मोटी तनख्वाह देने दिए जाने का प्रलोभन दिया था। संचालक ने सभी सदस्यों को यह बताया कि यह एनजीओ विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देगा। बड़ा पद और मोटी तनख्वाह का प्रलोभन देखकर इसे बड़ी तादाद में लोग जुटते गए। इस बीच मंगलवार को पुरानी तहसील स्थित एक प्लाजा में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जो मऊ में हुआ था, जो कि कहा गया था कि यहीं से 6 चीज़ें लागू होगी। इससे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी तादाद में महिलाओं के संग कार्यक्रम में लाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ कि कार्यकर्ताओं ने एनजीओ के बारे में जानकारी पूछनी शुरू की। किसी ने कई माह से काम करने में एवज में तनख्वाह मांगा, इसी को लेकर मारपीट हो गई। तभी जाकर ये न्यूज पता चला कि ये संस्था फर्जी है, जो महिला शक्ति नाम पे चला रहा है, विधवा माताओं बहनों के नाम पे। किसी को प्रदेश अध्यक्ष तो किसी को मंडल प्रभारी का दिया प्रलोभन। कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर हुई थी मारपीट, तभी हुआ खुलासा। 7 पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मास्टरमाइंड गुलाब फरार हो गया, फिर भी उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात न्यूज़ में छपी हुई है, दैनिक जागरण में, जो कि मऊ में दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं धनंजय मिश्रा CEO CT जो वहाँ के हैं, धनंजय मिश्रा जी, उन्होंने ये क्लियर किया है